टू यू के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नजीब। तारीख के झड़कों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर के हवाले से दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़ात, अहम शख्सियात की विलादत और वफात के मुतालिक आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। 10 नवंबर 1981 को पाकिस्तान के वज़ीर दिफा मीर अली तालपुर ने कामरा में हल्के फजाई त्यारा साज फैक्ट्री का अफ्तिताह किया। 10 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में भारतीय फौज की दखल अंदाजी के खिलाफ पाकिस्तान ने एहतजाज किया। 10 नवंबर 1951 को सलामती कौंसिल ने मसले कश्मीर के हल के लिए करारदाद मंजूर कर ली। 10 नवंबर 1968 को पाकिस्तान के सदर अयूब खान कतलाना हमले में बाल बाल बच गए जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। 10 नवंबर 1971 को भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 10 नवंबर को अहम शख्सियात की विलादत और वफात के मुतालिक आपको आगाह करते हैं। 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के मजहबी रहनुमा मार्टिन लूथर की पैदाइश हुई। 10 नवंबर 1728 को अंग्रेज मुसन्निफ, शायर और ड्रामा निगार ऑलिवर गोल्ड स्मिथ की पैदाइश हुई। 10 नवंबर 1910 को पाकिस्तानी फौजी एहलकार राजा मोहम्मद सरवर की पैदाइश हुई। 10 नवंबर 1958 को पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के नामवर शायर हैदर दहलवी की वफात हुई। 10 नवंबर 1938 को तुर्की की जंग आज़ादी के रहनुमा जमहूरिया तुर्की के बानी और पहले सदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क दोलम्मा बाचे महल में 57 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 10 नवंबर 1953 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की लाश को इनकी वफात के ठीक 15 साल बाद 9 साल की मुदत में तमीर किए जाने वाले मज़ार अतातुर्क में मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, ये थे 10 नवंबर के हवाले से दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़ात, अहम शख्सियात की विलादत और वफात जिनके मुतालिक आपको आगाह किया गया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ टू यू और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट news2u.com.pk। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।